चैप्टर नंबर 5 डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। चलो तो इसका पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब है फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में गिरावट, जबकि अमोर्टाइजेशन का मतलब आपको बताया था इनटेंजिबल एसेट की वैल्यू में गिरावट। डेप्रिसिएशन होने के पीछे कारण रहते हैं कि भाई नॉर्मल वेयर एंड टेयर हो गया, ठीक है, या टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया, या कोई नई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो गई जिसकी वजह से अब आपका एसेट पुराना हो गया या उसकी वैल्यू में गिरावट हो गई, जिसको बोलते हैं फोरसीन ऑब्सोलेसेंस, है ना। ये तीन मेन रीज़न थे। बाकी ऑब्जेक्टिव्स थे डेप्रिसिएशन के कि भाई इससे हमारे बिज़नेस के रिजल्ट सही पता लगते हैं, बिज़नेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो सही पता लगती है, हम अपने एसेट को रिप्लेस करने के लिए फ़ंड एक्यूमुलेट कर लेते हैं, और इससे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी सही पता लगती है। बाकी फिर ये सब बातें आपको समझाई थी कि कैसे है क्या है, वो तो खैर अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फिर था कि फैक्टर्स जो डेप्रिसिएशन को अफेक्ट करते हैं, तो एक होता है कॉस्ट, एक होता है यूज़फुल लाइफ, एक होता है स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू मतलब आपको पता ही है रेसिडुअल वैल्यू। यूज़फुल लाइफ नंबर ऑफ़ ईयर्स में भी हो सकती है या नंबर ऑफ़ प्रोडक्शन यूनिट्स में भी हो सकती है। बाकी कॉस्ट का मतलब क्या है वो थोड़ा सा देख लो। कॉस्ट का मतलब है कि आपने जितने रुपए में भी खरीदी मशीन या एसेट, परचेज प्राइस प्लस उस पर जो इंस्टॉलेशन के खर्चे लगे प्लस कोई और रिलेटेड एक्सपेंस लगे या टैक्सेस आपने पे करे वो सब जोड़ लोगे। हाँ, टैक्सेस में अगर कोई रिफंडेबल टैक्स होगा वो नहीं जोड़ोगे, है ना, तो वो कॉस्ट हो गए। बाकी फिर एक छोटा सा टर्म होता है डेप्रिशिएबल अमाउंट, उसका फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस स्क्रैप, ठीक है, याद रखना। बाकी चैप्टर में दो बातें, एक तो है मेथड्स कि आप डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में बेसिक फार्मूला तो है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूज़फुल लाइफ। बाकी इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हर साल डेप्रिसिएशन जो है वो इसमें सेम रहता है, क्योंकि आप हर साल कॉस्ट पर ही डेप्रिसिएशन निकालते रहते हो और एंड में जाकर एसेट की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। बाकी इसके ये सब छोटे मोटे एग्जाम्पल्स थे, वो तो आप कर ही लोगे। दूसरा मेथड था रिटन डाउन वैल्यू मेथड, जिसमें हर साल डेप्रिसिएशन की वैल्यू कम होती रहती है, क्योंकि आप हर साल रिवाइज्ड बुक वैल्यू पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते रहते हो। बाकी इसमें एक बड़ा अच्छा पॉइंट लिखवाया था कि जब हम WDV मेथड फॉलो करते हैं और कोई ऐसी मशीन हमने खरीदी है जिसका रिपेयर्स का खर्चा धीरे धीरे बाद में बढ़ रहा होता है, तो वो कॉन्स्टेंट बर्डन PNL पर डालता है। तो ये मतलब इसमें एक अच्छा पॉइंट याद रखना है आपको। तो जनरली इसीलिए WDV मेथड हम तब इस्तेमाल करते हैं या उन एसेट्स के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं जिनका रिपेयर का खर्चा बाद में ज़्यादा होता है। फिर इसके तो छोटे मोटे एग्जांपल आप कर ही लोगे। तीसरा था सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, SYD मेथड। ये भी WDV मेथड का ही एक्सटेंशन है या उसी का भाई है, क्योंकि इसमें भी पहले साल का डेप्रिसिएशन ज़्यादा होता है और फिर धीरे धीरे कम होता रहता है। बाकी इसका फॉर्मूला याद रखना है, जो भी रिमेनिंग लाइफ बची है इंक्लूडिंग प्रेजेंट ईयर डिवाइडेड बाय SYD इनटू डेप्रिशिएबल अमाउंट। SYD मतलब है n+n(n)(n+1)/2। बाकी इसके भी हमने छोटे मोटे एग्जांपल कर लिए थे, तो वो सब बातें तो अब आप देख लोगे, कर लोगे। और चौथा और आखिरी मेथड होता है जिसको आप मशीन आवर मेथड, प्रोडक्शन यूनिट मेथड या डिप्लीशन मेथड, कुछ भी मतलब एक तरह से मान सकते हो, क्योंकि इसमें फंडा सिंपल है कि लेट से आपकी टोटल यूज़फुल लाइफ है 60,000 घंटों की और आपने फर्स्ट ईयर में 10,000 घंटे इस्तेमाल कर लिया, तो आप प्रोपोर्शनेटली 10,000 घंटों के हिसाब से ही डेप्रिसिएशन निकाल लोगे। तो ये मेथड भी मैं मान रहा हूँ कि आपको सिंपल याद होगा, है ना। तो इसका फॉर्मूला था जो भी एनुअल यूसेज है डिवाइडेड बाई टोटल लाइफ इंटू डेप्रिशिएबल अमाउंट। इसी तरह सेकेंड ईयर का भी हम निकाल लेंगे। तो कैलकुलेशन पोर्शन को तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको कोई भी दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए, है ना। चारों में से किसी भी मेथड से अगर वो कहता है कैलकुलेट करो तो आप कर लोगे, है ना। अच्छा, लेकिन मज़ेदार चीज़ है अकाउंटिंग, ये आप ध्यान से देख लो दोबारा। अब आपको बताया था कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो दो तरीके के मेथड्स होते हैं, ठीक है। पहला मेथड जिसमें आप सल्लू हो, दूसरा मेथड जिसमें आप जॉन सीना हो। सल्लू वाले मेथड में जो और जॉन सीना वाले मेथड में, मतलब मेथड वन मेथड टू में जो मेन डिफरेंस है वो सेकेंड एंट्री का है, बस उस पर फोकस करो। पहले मेथड में हम डेप्रिसिएशन से एसेट की वैल्यू को कम करते हैं, तो एंट्री हो रही है डेप्रिसिएशन डेबिट टू एसेट। लेकिन दूसरे वाले मेथड में
डेप्रिसिएशन जो है वो एसेट की वैल्यू को कम नहीं कर रहा है, वो लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है, जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो प्रेजेंटेशन के हिसाब से आपको बताया था, पहला मेथड एसेट को कम करके दिखा रहा है, जबकि दूसरा मेथड लायबिलिटी की तरह दिखा रहा है। तो मेन डिफरेंस ये होता है, बाकी तो सिंपल। फिर इसके छोटे छोटे आपको एग्जांपल्स करवाए थे, जो बहुत ही सिंपल हैं, जो अब आपके लिए मतलब ईजी हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। तो अकाउंट बनाने हैं तो जो जर्नल एंट्रीज होती हैं उन्हीं को पोस्ट करके आप अकाउंट भी बना सकते हो, है ना। तो आपको छोटे छोटे एग्जांपल्स में ये सब अकाउंटिंग और उनके लेजर्स सीखने को मिल गए थे। अच्छा, लेकिन एक और मज़ेदार अकाउंटिंग का पॉइंट था, अब जब हम एसेट को बेचते हैं, सेल करते हैं, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एसेट को बेचने के टाइम पर भी हमारे पास दो अप्रोचेज होती हैं। या तो हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट भी प्रिपेयर करें, वो क्वेश्चन बोलता है, और या फिर हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट ना प्रिपेयर करें, दोनों चॉइसेस होती हैं, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से। तो हम मतलब दोनों के ही कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो जैसे मान लो हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल करा था कि हमने एक मशीन खरीदी, फिर एक दूसरी मशीन खरीदी, फिर हमने मशीन वन को बेच दिया, और वो कह रहा है मशीन डिस्पोजल अकाउंट बनाओ। तो आप मशीन डिस्पोजल पे फोकस करना कॉन्सेप्चुअली, है ना, बाकी कैलकुलेशन तो जो है वो है। तो मशीन अकाउंट हो गया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हो गया, लेकिन जो मशीन डिस्पोजल अकाउंट है आप उस पर फोकस करना। मशीन डिस्पोजल अकाउंट सिर्फ तब बनता है जब आप मशीन को बेचते हो। तो जैसे ही आपने कोई मशीन बेची तो एंट्री होती है मशीन डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू मशीन। तो आपकी मशीन जो थी वो मशीन डिस्पोजल में ट्रांसफ़र हो गई, और उसके बाद जो बेचने के टाइम पर हम नॉर्मल एंट्री करते हैं वही एंट्री मशीन अकाउंट की बजाय मशीन डिस्पोजल अकाउंट में करनी है। तो आप मशीन डिस्पोजल अकाउंट में देखो, क्रेडिट साइड पर देखो तो लिखा हुआ है बाय बैंक बेचना, बाय PNL मतलब लॉस, और बाय प्रोविजन फॉर डेप जो आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्लोज करा। मतलब पॉइंट ये है कि जब हम मशीन डिस्पोजल अकाउंट बनाते हैं तो आपको बेची हुई मशीन को ट्रांसफ़र करना है मशीन डिस्पोजल में, ये ध्यान रखना है, ठीक है, जब भी मशीन डिस्पोजल बनाएंगे। लेकिन अगर मान लो मशीन डिस्पोजल नहीं बना रहे, जैसे मान लो हमने एक एग्जांपल करा था कि आप मशीन डिस्पोजल नहीं बना रहे हैं, ठीक है, तो फिर देखो आपको मशीन अकाउंट के अंदर ही बाय बैंक भी लिखना है, बाय अपना जो लॉस है वो भी लिखना है, जो सेल अगर मतलब डेप्रिसिएशन है वो भी लिखना है, फिर आप मशीन डिस्पोजल में ट्रांसफ़र नहीं करो। तो क्लियर हो गया डिफरेंस मोटा मोटी। बस तो ये मतलब आपको मैंने बताया था कि अलग अलग कॉम्बिनेशंस आ सकते हैं, वो क्वेश्चन के ऊपर है कि वो आपसे प्रोविजन वाला मेथड फॉलो करवा रहा है या सल्लू वाला मेथड फॉलो करवा रहा है। फिर वो मशीन को बेचने पर क्वेश्चन या तो आपसे एसेट डिस्पोजल बनवा भी सकता है या एसेट डिस्पोजल नहीं भी बनवा सकता। तो वो क्वेश्चन खुद ही डिसाइड करेगा कि भाई क्या है, और वो SLM मेथड से भी करवा सकता है, वो WDV मेथड से भी करवा सकता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो भी डिस्कस करना ज़रूरी है। बाकी कुछ क्वेश्चंस भी थे, वो छोटे क्वेश्चंस थे, लेकिन आपको मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ। देखो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, ये तो आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा, लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट था रीवैल्यूएशन का, ठीक है। हम अपने एसेट्स की वैल्यू को कई बार रीवैल्यू भी कर देते हैं, बढ़ा भी देते हैं घटा भी देते हैं, है ना। तो उसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, और उसका एक ही क्वेश्चन है बुक के अंदर, वो आप मार्क कर लेना, क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 5 है, ठीक है। तो ये मतलब 4 या 5 नंबर की वेटेज का क्वेश्चन आ सकता है, तो आपके लिए बड़ा ही हैंडी क्वेश्चन है, और एक ही क्वेश्चन है रिवैल्यूएशन का, मतलब अच्छा क्वेश्चन। तो इसमें बेसिकली देखो क्या है ये क्वेश्चन के अंदर, कि जैसे इनके पास एक रिवैल्यूएशन का रिजर्व या सरप्लस है 3 लाख का, ठीक है। अब उसके बाद इनकी जो एसेट है उसकी बुक वैल्यू दे रखी है 35 लाख, ठीक है। फिर उन्होंने 3 केस बना रखे हैं। पहले केस में लिखा है कि अब वो वैल्यू बढ़कर 37 लाख हो गई। तो देखो अब इससे क्या होगा, आपके एसेट की वैल्यू बढ़ गई 2 लाख से, तो आप 2 लाख का जो फ़ायदा हुआ वो भी रिवैल्यूएशन सरप्लस में डाल दो, ठीक है। पहला केस तो ये है। दूसरे केस में एसेट की वैल्यू हो गई 33 लाख, तो 2 लाख कम हो गई। तो दूसरे केस में आपका जो नुकसान हुआ 2 लाख का, वो एसेट की वैल्यू से कम कर दोगे और रिवैल्यूएशन रिजर्व भी 2 लाख से कम कर दोगे। लेकिन तीसरा बड़ा इंटरेस्टिंग केस है,
तीसरे केस में एसेट की वैल्यू 31 लाख हो गई, ठीक है, तो 4 लाख का नुकसान हो गया। अब 4 लाख का जो नुकसान हुआ वो आप रिवैल्यूएशन के सरप्लस से कितना यूज कर सकते हो, सिर्फ 3 लाख, और जो एक्स्ट्रा 1 लाख का नुकसान हुआ वो फिर पीएनएल से लेना पड़ेगा। तो इन्हीं बातों को जर्नल एंट्री में क्वेश्चन पूछता है। तो देखो, पहले केस में तो एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो पीपीई डेबिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस, दूसरे में कम हो गई वैल्यू तो उल्टा कर देंगे एंट्री, रिवैल्यूएशन सरप्लस टू पीपीई, तीसरे में रिवैल्यूएशन सरप्लस भी कम हुआ 3 लाख का और पीएनएल भी डेबिट हुआ 1 लाख से और टू पीपीई 4 लाख। तो ये आप देख लो, क्वेश्चन क्लियर हो गया। रिवैल्यूएशन करते हैं तो फायदा होगा तो भी रिवैल्यूएशन सरप्लस में, नुकसान होगा तो भी रिवैल्यूएशन सरप्लस से कम करना है, लेकिन एक्स्ट्रा नुकसान होगा तो पीएनएल से चार्ज करना है। चलो, तो फटाफट एक क्वेश्चन है आपके लिए, आपकी स्क्रीन पर एक पीवाईक्यू क्वेश्चन है, मज़ेदार, इम्पॉर्टेंट भी है, और ये 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन मतलब आता है, 10 मान के चल लो आप, ठीक है ना। तो इसमें आप मशीन खरीदते भी हो, मशीन बेचते भी हो, मेथड कौन सा लगाना है वो क्वेश्चन खुद बताता है, और 1 जनवरी के बाद वो मेथड जो है वो चेंज भी हो गया और रेट भी बढ़ गया है ना। तो फिर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 4 साल के लिए मशीन अकाउंट बनाओ, तो बहुत ही प्यारा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए। तो पहले आप सॉल्व करके देखो, फिर हम भी पूरा आपके साथ डिस्कस करके देखेंगे। चलो, तो क्वेश्चन देखो, एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन में था, फर्म ने एक मशीन खरीदी 37,000 की ऑन 1 जनवरी 2019 एंड स्पेंट 3,000 ऑन इट्स ओवरहॉलिंग। तो इसका मतलब ये है कि आपने पहले मशीन की कॉस्ट कितनी ले ली, 40,000, ठीक है। ऑन 1 जुलाई 2020 अनदर मशीन वॉज परचेज्ड फॉर 10,000। तो ये एक तरह से आपने मशीन 2 खरीद ली 10,000 की। ऑन 1 जुलाई 2021 द मशीन विच वॉज परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2019 वॉज सोल्ड फॉर 28,000 रुपये। तो एक तरह से जो आपने मशीन 1 खरीदी थी उसको 28,000 रुपये में बेच दिया, एंड द सेम डे ए न्यू मशीन कॉस्टिंग 25,000 वॉज परचेज, और 25,000 की आपने एक नई मशीन M3 भी खरीद ली। फिर ऑन 1 जुलाई 2022 द मशीन विच वॉज परचेज ऑन 1 जून 2020 वॉज सोल्ड फॉर 2,000। तो यानी जो आपने मशीन 2 खरीदी थी उसको भी फिर आपने बाद में बेच दी। तो टोटल मतलब 3 मशीनें खरीदी हैं और 2 बेच दी है, पहले इतना ओके। डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। तो आप 10% पर एनम के हिसाब से पहले SLM मेथड से डेप्रिसिएट करोगे, बाद में 1 जनवरी 2020 से कंपनी ने WDV मेथड लगा दिया और वो भी 15% पर एनम के हिसाब से। तो मतलब एक साल तो आपने SLM मेथड लगाया होगा 10%, उसके बाद जो भी बैलेंस बचे होंगे फिर आगे आपने WDV मेथड लगाया, यही करें। चल, तो ईयर वाइज ईयर चेक करते रहते हैं, बैलेंस बताते रहना। तो फर्स्ट ईयर का बैलेंस आपका आ रहा है 36,000, क्योंकि पहले साल तो आपने शायद एक ही मशीन खरीदी थी बस, और उस पर 10% डेप्रिसिएशन 4,000 आ गया होगा। फिर दूसरे साल आपका बैलेंस 39,850 आ रहा है, ठीक है। अब इस बार आपने जो डेप्रिसिएशन लगाया होगा वो 36,000 पर 15% लगा होगा, WDV के हिसाब से वो आया होगा 5,400, और जो मशीन 2 खरीदी 10,000 की उस पर आपका 15% 6 महीने का 750। तो क्लियर हो गया। फिर तीसरे साल आपने एक मशीन खरीदी भी है और बेची भी थी, तो वो तीसरा साल देख लो अच्छे से। थर्ड ईयर में जो मशीन आपने बेची है उसमें आपका लॉस निकला 305 रुपये का, ठीक है, और थर्ड ईयर में जो डेप्रिसिएशंस निकले होंगे तो एक तो 2,295, फिर एक 1,388 और एक 1,875 जो थर्ड मशीन आपने नहीं खरीदी उसका। तो एक तो आप बेच चुके तो इसलिए 2 ही मशीनें बची हैं आपके पास। तो मशीन 2 का बैलेंस 7,862, मशीन 3 का बैलेंस 23,125, तो थर्ड ईयर में आपका बैलेंस बचा होगा 30,000
987, सही आ रहा है थर्ड ईयर में, बहुत अच्छा, वेरी गुड। एंड सिमिलरली फोर्थ ईयर भी, फोर्थ ईयर में भी आपने M2 को बेच दिया तो कितना लॉस निकल रहा है, 5272, बिल्कुल सही। तो जो आपने दूसरी मशीन बेची उसमें आ रहा होगा आपका लॉस 5272, डेप्रिसिएशन था उसका 590, और जो मशीन थ्री है आपके पास उसका डेप्रिसिएशन 3469, बिल्कुल सही। तो जो बैलेंस बचा वो टेक्निकली सिर्फ आपका मशीन थ्री का बैलेंस बचा होगा आपका 19656 रुपये, तो क्लियर हो गया, ठीक है, बिल्कुल सही आ रहा, 19656। तो ये एक क्वेश्चन, मतलब अच्छा क्वेश्चन था, तो क्लियर हो गया अच्छे से, तो मेथड चेंज का क्वेश्चन था, तो एक साल SLM उसके बाद WT, और कुछ नहीं होता है। नहीं, वो हमारे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो था वो पहले वो होते थे, अब नहीं आता हूँ, वो अब हमारे सिलेबस में नहीं, तो क्लियर हो गया वाला, अच्छा ठीक है ना। तो बाकी बुक के क्वेश्चन में वैसे बताया तो आप लिख लो रिवीजन के लिए, जैसे एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वन है वो एक अच्छा क्वेश्चन है, वो आप ज़रूर करना, एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट भी है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वन है ना। और इसी तरह छोटे छोटे इलस्ट्रेशंस हैं, इलस्ट्रेशन 11 से लेकर 14, मतलब जिसमें ये छोटे मार्क्स के क्वेश्चंस हैं जिसमें 4-5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है ना। बाकी बड़ा क्वेश्चन आएगा तो इस तरह का या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वन, वो इम्पॉर्टेंट।